YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेहतरीन शेयर जिसमें आपको अभी निवेश करना चाहिए। ऐसे बेहतरीन शेयर आपको हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं, यहाँ पर आपको हमेशा बेहतरीन शेयर मिलते रहेंगे। तो जो पहला शेयर है वो है ट्रेंट। देखिए जो भी शेयर बताएगा वो फंडामेंटली काफी सॉलिड होगा। आप अच्छे लेवल पर जब भी गिरावट मिलता है उस पर इन्वेस्ट करें या तो आप ब्रेकआउट पर इन्वेस्ट करें। और देखिए जब तक तेजी रहे स्टॉक्स में तब तक बने रहिए, जैसे स्टॉक रिवर्सल दिखाता है तो आप उसे एग्जिट हो जाइए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। यहाँ पर देखिए जो ट्रेंड है काफी जबरदस्त चार्ट पैटर्न है। यहाँ पर देखिए ये ब्रेकआउट के पास पहुंच चुका है ये शेयर। अगर यहाँ पर ब्रेकआउट होता है तो आप इसको बाय करेंगे। देखिए ब्रेकआउट से हम पहले बताते हैं क्योंकि बाद में बताते हैं तो बहुत सारे कहते हैं ब्रेकआउट हो गया तब आप बता रहे हैं। यहाँ पर आपको तैयार रहना, ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट होके यहाँ पर रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट करने के बाद ऊपर चलता है तो ज्यादा बेहतर होता है उस शेयर को बाय करना। आप मान लीजिए यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद आपने बाय कर लिया तो स्टॉप लॉस कहाँ रखें? देखिए स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है, स्टॉप लॉस आपको काफी बड़े नुकसान से बचाता है। तो बड़ा नुकसान लेने से बचना है, प्रॉफिट बड़ा लेना है। यहाँ देखिए 1140 के नीचे क्लोजिंग बेसिस आपको स्टॉप लॉस रखना है अगर यहाँ ब्रेकआउट पर आप बाय करते हैं तो। टारगेट यहाँ पर आपको जो लेना है यहाँ से इसका डिप्थ मेजर कर लीजिए। ये जो डिप्थ है देखिए 18% का, देखिए 18% जो है ऊपर आपको टारगेट रखना है यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद। 18% हम ना लेंगे, 15% ही टारगेट लेंगे क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस भी तो काफी छोटा होगा यहाँ ब्रेकआउट पर बाय करते हैं तो 15% हम जस्ट टारगेट लेके चलेंगे। तो ये काफी सॉलिड शेयर है ट्रेंड और यहाँ पर काफी जबरदस्त आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए जब भी गिरावट मिले आपको बाय करना है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको वीकली चार्ट फॉलो करना है। देखिए वीकली चार्ट पर हम चलते हैं तो ये स्टॉक्स देखिए गिरावट में यहाँ से 800 रुपए से गिर कर ये 400 रुपए आया था। ओवरऑल देखिए चार्ट काफी सॉलिड है, देखिए कभी भी आपको कोई बड़ी गिरावट नहीं मिलेगी। जब मार्केट गिरता है तभी इसमें आपको बड़ी गिरावट होता हुआ देखने मिलेगा। देखिए 2008 में ये जो क्रैश था उसमें गिरावट हुआ था, अदरवाइज ये स्टॉक्स चार्ट पे काफी सॉलिड है। ऐसे बेहतरीन स्टॉक के साथ आपको रहना है, टाटा ग्रुप का स्टॉक्स है, इस स्टॉक को आप बाय करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए काफी बेहतरीन है, काफी बेहतरीन वेल्थ क्रिएटर स्टॉक्स है। अब देखिए उसके बाद जो है दूसरा स्टॉक वो है HDFC लाइफ। काफी बेहतरीन, काफी सॉलिड फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स है, आप इस स्टॉक्स को अभी बाय करते हैं या प्रत्येक डिप पर प्रत्येक गिरावट पर बाय करते हैं। और यहाँ पर स्टॉप लॉस जो रखना है 630 रुपया के नीचे क्लोजिंग बेसिस अपना स्टॉप लॉस रखना है, आप इसे कभी भी बाय कर सकते हैं। इस स्टॉक्स को कब बाय करना है तो या तो देखिए इस ट्रेंड लाइन के पास आए या सीधा समझिए 630 रुपया के प्राइस के पास कभी भी आए तो आप इसको बाय कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए भी काफी बेहतरीन है, इंश्योरेंस सेक्टर आने वाले समय में काफी जबरदस्त रूप से परफॉर्म करेगा। साथ ही साथ अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो आप यहाँ पर बाय करेंगे। देखिए ब्रेकआउट से पहले बता रहे हैं और साथ ही साथ ये सारे स्टॉक्स काफी जबरदस्त है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन को जैसे ब्रेक करता है तो बाय करेंगे क्योंकि ये स्टॉक्स अभी तक तेजी नहीं दिखाया है। तो जैसे इंश्योरेंस सेक्टर के स्टॉक्स चलते हैं तो आप इंश्योरेंस सेक्टर में HDFC लाइफ को बाय कर सकते हैं या आप दूसरा SBI लाइफ है उसके साथ भी जा सकते हैं, तो लेकिन ज्यादा बेहतर होगा आप HDFC लाइफ के साथ रहें। और यहाँ पर आप जो है 630 के नीचे क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लेके चलेंगे और यहाँ पर किसी भी गिरावट पे आप बाय करते हैं। देखिए बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, आप किसी भी डिप पे यहाँ पर बाय करते हैं क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेकआउट दे देता है तो फिर इस बाय कर सकते हैं या यहाँ पर कोई भी डिप दिखाता है तो आप इसको बाय करते हैं। जस्ट 20 रुपीज का आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा। टारगेट काफी जबरदस्त होगा, सबसे पहला टारगेट हम रखेंगे यहाँ पर 760 का, तो फिर जितना इसका डिप है उतना ही टारगेट हम ऊपर लेके चलेंगे, फिर 850 का हम टारगेट लेकर चलेंगे तो जो कि काफी जबरदस्त टारगेट होगा। तो दो टारगेट आपको यहाँ पर लेके चलना है, पहला 760 का जो कि इसका देखिए यहाँ पर ऑल टाइम हाई है एक प्रॉक्स, और फिर हमको 850 का सेकेंड टारगेट लेके चलना है। ये दो टारगेट जब स्टॉक्स तेजी दिखाएगा तो आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा। फंडामेंटली काफी सॉलिड शेयर्स है, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर बाय कीजिए तो आपको बहुत जल्द टारगेट मिल जाएगा। अगर डीप पे बाय करते हैं थोड़ा वेट करना पड़ेगा तब जाके स्टॉक्स मूवमेंटम दिखाएगा, लेकिन इसका डाउनसाइड काफी लिमिटेड है। आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस से अपने पोर्टफोलियो में बाय कर सकते हैं किसी भी गिरावट पे, और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए बाय करते हैं तो आपको ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे बाय करना है क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए हम सिर्फ
स्विंग को ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग जिसको हम कहते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग कहते हैं। तो जब स्टॉक्स तेजी में होता है, तेजी में कब आएगा स्टॉक्स, जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। तो ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पर आप इसको बाय कर सकते हैं। तो जैसे स्टॉक्स ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेक करेगा तो ये इस तरह से तेजी दिखाएगा। अगर ये इसको ब्रेक आता है 630 को तो इसमें थोड़ा बहुत गिरावट हो सकता है, लेकिन जिसकी संभावना काफी कम है क्योंकि स्टॉक्स काफी स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटली काफी सॉलिड शेयर्स हैं। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर बता देखिए, चार्ट को हम और छोटा करते हैं। देखिए पहले ये रेसिस्टेंस हुआ करता था, ये लेवल 630 का जो लेवल था, 650 तक का ये रेसिस्टेंस लेवल हुआ करता था जो कि अब सपोर्ट बन चुका है। इस लेवल को ब्रेक करना बहुत ही नामुमकिन है और इस लेवल पे आपको स्टॉक्स दोबारा नहीं मिलेगा। अगर ये 760 के ऊपर चला जाता है तो फिर से आपको इस लेवल पे ये स्टॉक्स देखने नहीं मिलेगा। तो निश्चित रूप से आप इस स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं किसी भी डिप पर। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसे ही बेहतरीन एजुकेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।